सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो ये अलग होने वाला है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको प्रॉब्लम्स है फ्लाइट से रिलेटेड। सो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना फ्लाइट बुक किया था लॉकडाउन में। मीन्स उनको पता नहीं था, उन्होंने पहले से बुकिंग कर दिया था और उनका लॉकडाउन में पैसा अटक गया था। लॉकडाउन के कारण फ्लाइट कैंसिल हो गई और उनका पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिसके थ्रू आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे बहुत ही इजीली। मैं ऐसे दो तीन स्टेप बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके आप अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिसको जिसको ये प्रॉब्लम है आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा वीडियो के थ्रू। वीडियो बना के आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगा। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। सो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने फ़्लाइट बुक किया है इंडिगो से या फिर गो आईबीबो से या मेक माई ट्रिप से, कहीं से भी आपने फ़्लाइट अपना बुक किया हो, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपने कहाँ से बुक किया है। स्पाइस जेट से तो नहीं किया, या फिर आपने कोई ऑनलाइन पोर्टल तो नहीं यूज़ किया डिफरेंट। मीन्स यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल गो आईबीबो, मेक माई ट्रिप और अदर वेबसाइट के थ्रू आपने बुकिंग तो नहीं किया। पहले आपको वो ध्यान देना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है किस किसके मीन्स एयर इंडिया से आपने किया है या फिर आपने स्पाइस जेट से किया है या इंडिगो से किया है। तो आपने जहाँ से फ़्लाइट बुक किया है पहले उनको मैसेज देना है आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर जैसे जो भी यूज़र्स हैं गो आईबीबो के, उनको मैं बता रहा हूँ यहाँ इस वीडियो में कि जो भी यूज़र्स हैं उनको गो आईबीबो का पैसा अगर नहीं मिला है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको गो आईबीबो का पैसा मिल सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्विटर पे जाना है। ट्विटर पे जाके @GoIBibo लिख के उसके आगे आपका नाम, नंबर और नीचे आपको PNR नंबर जानना पड़ेगा, जो जो कि आपको जब आप फ्लाइट बुक करते हैं तो वहाँ पे आपको PNR नंबर डालना है। उसके साथ साथ वहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट डालना है कि मैंने इस तारीख को इतने बजे मेरी फ़्लाइट थी और ये फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है एयरलाइन के थ्रू और मेरा रिफ़ंड मुझे अभी तक नहीं मिला। आपको ऐसा रिक्वेस्ट करना है वहाँ पे। मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ गो आईबीबो का, मुझे गो कैश मिल चुका था अपने अकाउंट में। सो गाइस, मैं आपको भी आपको बता देता हूँ कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सबसे पहले आप जब मैसेज करेंगे तो आपको 24 आवर्स के आसपास आपको फिर से वो मैसेज डालेंगे आपको ट्विटर पे। सो आप यहाँ पे ट्विटर के थ्रू ही आप उनसे बात कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जिन लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आया है वो आप जिस जो भी मैंने स्टेप्स बताया वो आपको स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप फॉलो करके आप अपना स्क्रीनशॉट, नाम, PNR नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको 24 आवर्स के बाद उनकी तरफ से मैसेज आएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। हो सकता है वो आपको डायरेक्टली बता दें कि आप अपना बैंक डिटेल्स वगैरह डायरेक्टली वहाँ पे दे दें, आपको कॉल आएगा, आप अपना फ़ोन नंबर भी वहाँ पे दे सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।